हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एआरवी जो है, ये एआरवी है, ये एआरवी, इसके बारे में बताऊंगा मैं कि इसका ये कैसे काम करता है, ये क्या होता है, कैसे काम करता है, कहाँ इसको इंस्टॉल करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारा मैं इसको खोल खोल करके भी दिखाऊँगा आपको कि ये कैसे इसका ये कैसे इस फायर लाइन या किसी भी प्रेशर लाइन में कैसे काम करता है ये। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि एआरवी क्या होता है। एआरवी एयर रिलीज वॉल्व होता है, जो लाइन में किसी भी लाइन में एयर निकालने का काम आता है। चलिए दोस्तों मैं अब बताऊँगा कि एआरवी को किस पोजीशन पे, कहाँ पे पाइपलाइन पे लगाना चाहिए, किस जगह पे लगाना चाहिए कि वो सही से काम करे और उसका प्रॉपर फंक्शन हो सके। दोस्तों एआरवी को हमेशा राइजर पाइप के टॉप पर लगाना चाहिए ताकि वहाँ से वो पूरा प्रॉपर फंक्शन हो सके, जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है इसी तरह से लगाना चाहिए। उसके नीचे एक बॉल बल्ब लगा लेना चाहिए। तो अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि इसका जो ये वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको मैं एक डायग्राम पे ले जा रहा हूँ। ये दोस्तों ये एक वर्किंग डायग्राम है, ये वर्किंग डायग्राम है, मैं आपको इसी डायग्राम से समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें, बहुत आसानी से मैं इजी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। ये जो है ये इनलेट है, यानी इधर से ये जो है इनलेट है, इनलेट मतलब ये वाला यहाँ से इनलेट है, पानी इधर से अंदर जा रहा है इसके ऊपर। इनलेट है, जब पानी, जब मोटर वगैरह स्टार्ट होता है, जब लाइन चार्ज होती है तो ये इसमें पानी आना शुरू हो जाता है। पानी आता है और एयर भी रहती है। एयर सबसे पहले एयर आगे जाएगा, ये नॉर्मली ओपन रहता है, ये यहाँ इस तरह से ये एग्जॉस्ट है, यहाँ एयर एग्जॉस्ट, ये नॉर्मली ओपन रहता है, जैसे ये इसमें यहाँ पे ये चीज़ है जो ये नॉर्मली ओपन है, तो ये नॉर्मली ओपन होता है। लाइन में जब एयर भी रहता है तो सबसे पहले मोटर जब स्टार्ट होती है, लाइन में पानी जब भरना शुरू होता है, लाइन चार्ज होना शुरू होता है, तो सबसे पहले ये एयर निकलता है, एयर आते जाता है, ये नॉर्मली एयर निकलते जाता है। उसके बाद पानी के साथ भी कुछ एयर पैकेट्स भी होता है, जैसे ये गोल गोल सा एयर पैकेट्स है, एयर आता है इसके साथ, पानी के साथ, ये पानी का ये है फ्लोटिंग, ये फ्लोटिंग है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको इसमें फ्लोटिंग कैसे, जो एआरवी में फ्लोटिंग कैसे आता है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो पानी के साथ ये फ्लोटिंग है, ये फ्लोटिंग जब पानी आता है इसके अंदर और पानी के साथ साथ एयर भी आ जाता है, तो एयर ऊपर चले जाता है और ये नॉर्मली ओपन रहता है, एयर निकलते रहता है। जब पानी जब पूरा आ जाता है यहाँ तक, तो ये जो फ्लोट है ये भी ऊपर चले जाता है। ऊपर जो ही यहाँ तक चला गया फ्लोट, मान लो फ्लोट यहाँ तक चला गया, यहाँ तक फ्लोट आ गया, ये जो फ्लोट है ये ऊपर चला गया, चूँकि पानी ऊपर से नीचे जो ही पानी आएगा तो उसको धकेलेगा, ऊपर फ्लोट को ऊपर धकेलेगा, ऊपर चला गया। अब ये यहाँ तक फ्लोट मेरा यहाँ तक आ गया, फ्लोट जब यहाँ तक आ गया, पानी भी ऊपर यहाँ तक आ गया, अब थोड़ा सा ये जगह बचता है, सारा ये यहाँ पे जमा रहता है। अब ये चूँकि यहाँ आता है तो ये प्रेस करता है इसको और ये ऊपर चले जाता है, ये रबर के साथ ऊपर चले जाता है। जब उसके बाद ये पूरा जमा हो जाता है, ये एयर पैकेट्स भी यहाँ जमा हो जाता है, ये पानी पूरा एयर पैकेट जमा हो जाता है यहाँ पर, इस तरह से एयर पैकेट्स जमा हो जाता है, ये पूरा पानी ऊपर आ जाता है जब, तो फिर ये ऊपर जाने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि एयर प्रेशर बहुत बन जाता है, यहाँ एयर प्रेशर बन जाता है, तो ये फ्लैट को नीचे धकेल देता है। फिर नीचे जो धकेलेगा तो ये मैकेनिज्म, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ ये ओपन हो जाता है, ये जो ओरिफाइस है ये ओपन हो जाता है, यहाँ से फिर एयर निकलना शुरू हो जाता है, फिर ये अपने पोजिशन में इस तरह से इसको ये बांध करके रख देता है, इस तरह से ये सील हो जाता है पूरा। तो ये एयर रिलीज वॉल्व का ये इस तरह से ये वर्किंग होता है। अब मैं इसके अंदर का दिखा रहा हूँ आपको, मैं इसके अंदर का खोल के दिखा रहा हूँ आपको। ये फिल्टर रहता है इसके साथ, ये फिल्टर है, ये दिख रहा है ना जाली सा आपको, फिल्टर दिख रहा है, ये फिल्टर है। मैं आपको ये अंदर का इसका मैकेनिज्म दिखा रहा हूँ, ये यही फ्लोट की बात कर रहा था मैं। ये फ्लोट ऊपर जाते रहता है पानी के साथ साथ, ऊपर चले जाता है। जब ऊपर पूरा चले जाएगा उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ऊपर से उधर से प्रेशर आ जाएगा,
इधर से एयर का प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि एयर सारा यहाँ पे जमा होकर रहेगा आ जाएगा, फिर ये एयर पूरा प्रेशर बनाएगा इस पर, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ ये ओपनिंग हो जाता है, ओपन हो जाता है और इस तरह से एयर पास हो जाता है। तो ये इस तरह से है दोस्तों। दूसरा इसका ये अंदर का ये एयर निकलने का यहाँ से है, ये कुछ इस तरह से इस पर अटका रहता है, ये अटका रहता है कुछ इस तरह से, इसको दबाता है और ये यहाँ से एयर, यहाँ से जो ये होल है, इस होल से एयर निकलना शुरू हो जाता है। ये देखिएगा, ये इस होल से, ये होल से एयर निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। छोड़ो।